हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपके साथ मेरे कुछ छोटे छोटे कुछ प्रोडक्ट शेयर करने हैं जो कि मैंने यूज किए, मेरे को अच्छे लगे और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। जो ये मेरे प्रोडक्ट हैं वो रिकॉर्ड के हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हैं और काफ़ी अच्छे हैं और क्वांटिटी इनकी काफ़ी अच्छी मिलती है काफ़ी कम कॉस्ट में। जो मैंने सबसे पहला प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो है ये प्राइमर। मैंने इसको पहले बहुत ही छोटी क्वांटिटी में मंगवाया था क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि ये मेरे पे कैसा वर्क करेगा, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और ड्राई होने की वजह से मैं कोई प्रोडक्ट मेरे को जल्दी सूट नहीं करता है। दैट्स वाई कि मैंने इसकी पहले छोटा सा पैकेट मंगवा के देखा कि मेरे को कैसा करेगा काम। ये जो इस प्राइमर ने मेरे फेस पे इतना वंडरफुली काम किया, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी इतने अच्छे से, क्योंकि इसने जैसे मैं अपने फेस पे लगाती हूँ पहले तो ये एकदम ऐसे ब्लेंड होता है ना जैसे कुछ लगाया ही नहीं। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देती हूँ कैसा है। सी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ऐसे जैसे कोई वाटरी वाटरी सी, और ऐसे जैसे हम इसको स्प्रेड करते हैं ऐसे क्रीम की तरह एकदम से ब्लेंड हो जाती है एकदम स्किन, है ना, जो बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाती है और पोर्स को बिल्कुल एकदम से हाइड कर देता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को ड्राई स्किन की वजह से बहुत मुश्किल आती है, रिकमेंड करती हूँ कि इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करें। आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जो मैंने सेकंड प्रोडक्ट लिया है वो है ये लिप एंड चिक टिंट, जिसका जो मैंने शेड लिया है वो है गूज़बम्प्स और ये 8 ग्राम की क्वांटिटी में आता है। और जो इसने मेरे को कॉस्ट किया है वो 495 का किया है, लेकिन वहां पे बहुत ही अमेजिंग सेल चलती रहती है तो आपको ये आधी की आधी कॉस्ट में मिल जाएगा, आप कभी भी वहां से ले सकते हो। और ये इसकी पैकेजिंग है वो ऐसे है, सी अब देखो आप ये कितना अच्छे से वर्क करता है। ये बहुत अच्छा आपकी स्किन पे बहुत अच्छा लगता है और हर स्किन टाइप पे, मतलब आपकी अगर स्किन डार्क है कुछ या फिर कोई नॉर्मल स्किन है तो आपको बीट स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेयर स्किन पे काम करता है, सारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप वहां से चेकआउट करना। और इसके बाद जो मैंने थर्ड प्रोडक्ट लिया है वो रिकॉर्ड का ये काजल पेंसिल है। जो ये काजल पेंसिल है इसकी कॉस्ट भी वैसे हमें कितनी पड़ रही है, 545 पड़ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे हमेशा ही सेल्स रहती हैं तो सेल में आपको बहुत कम कॉस्ट में मिल जाएगा। और इस पेंसिल के बहुत अच्छे रिव्यूज हैं कि ये ना आपकी आईज में कैसे मर्जी लगाओ, जैसे हमारी आईज बॉर्डरी होती है ये होती है तो ये बड़ी जल्दी काजल होता है कि हमें फैल जाता है, लेकिन ये काजल का ये प्लस पॉइंट है कि ये काजल जल्दी फैलता नहीं है, 8 आवर्स आपकी आईज पे अच्छे से ये स्टे करता है। ऐसी कुछ पेंसिल है ये देखने में, और बिल्कुल जेट ब्लैक पेंसिल है ये, सी या 1 स्वैप में आपको ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है और ये जल्दी फैलता नहीं है। आप इसको यूज करके देख सकते हो, काफी अच्छे रिव्यूज हैं इसके, मैंने इसीलिए मंगवाया था ये पेंसिल। और जो भी है मैं आपको बाकी बोल रही हूँ कि आपको सेल्स पे सब कुछ अच्छे से कॉस्ट में मिल जाएगा, आप कॉस्ट जो भी है अपनी चेक कर लेना, मैं एक बार आपको सारे लिंक डालूंगी आप वहां से चेकआउट करना। और बाकी प्रोडक्ट सारे ही बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ आपको मेरी स्किन पे जल्दी जल्दी कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि ये सूट कर रहा है मेरे को तो आपको भी ये सूट करेगा। बाकी आप लोग ये यूज करके देखिए, इसकी कम क्वांटिटी मंगवा लीजिए फिर आप ट्राई करके देखना। गाइस, इससे पहले भी मैंने एक नायका का हॉल डाला है, प्लीज उसको जाके भी जरूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐसे बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूज का। लिंक मैं आई बटन पे भी दे दूंगी अगर आप लोग देखना चाहते हैं। आप उसके ऊपर अपना रिव्यू छोड़िए कि आपको वो कैसा लगा और अपने लाइफस्टाइल में उसको ऐड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।